राज इंडिया 18 में आपका स्वागत है और हम खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। तो देखते हैं अरविंद वर्मा की यह रिपोर्ट। छतरपुर जिले के खजुराहो थाना में एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने की आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक थाना खजुराहो संदीप खरे व उनकी टीम के द्वारा चोरी एवं वाहन चोरी खुलासे में 3 आरोपी एवं 1 बालक को गिरफ्तार किया है। 1 आरोपी गिरफ्त से बाहर है जिसकी तलाश जारी है। एसडीओपी खजुराहो ने जानकारी देते हुए बताया कि लूट चोरी एवं वाहन चोरी के मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए इनसे कुछ कीमती मोटरसाइकिलें, घटना में प्रयुक्त कट्टा, कारतूस एवं अपाचे मोटरसाइकिल, टॉर्च जिसकी बरामदी मशरू का कुल कीमत ₹1,25,000 है। इस खुलासे में माया बिहार खजुराहो में हुई चोरी के तहत आरोपियों से नग राशि, सोने की अंगूठी सहित सामान बरामदगी की गयी। वही थाना राजनगर में करीब 1 वर्ष पूर्व मोबाइल लूट को भी इन आरोपियों ने अपना आरोप स्वीकार किया है। ये सभी आरोपी खजुराहो एवं आसपास के नवयुवक हैं और यह चोरी के घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। राज इंडिया 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अरविंद वर्मा, छतरपुर। ये थाना खजुराहो में जो वर्ष 2022 में और थाना राजनगर में वर्ष 2022 में दो लूट की घटनाएं घटी थी और वर्ष 2023 में चोरी की घटनाएं घटी थी, जिसके संबंध में थाना खजुराहो को बड़ी सफलता मिली है, जिसके संबंध में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर और एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और थाना खजुराहो में संदीप खरे के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, जिसके संबंध जिसमें हम लोगों ने वर्ष 2022 में धारा अपराध 308/22 में, जिसमें 394 लूट की कायमी की गई थी जो कि लखेरी टपरियन में की घटना है। आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, बस एक शेर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता है क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।